आज माइक्रोटेक 865 EB एक सेट आया है रिपेयर करने के लिए। ये देखिए, जिसका साइड से पूरा दिख रहा है मॉस्फेट जला हुआ है। ये देखिए, एक साइड का पूरा मॉस्फेट और रेजिस्टेंस पूरा जला हुआ है। तो इसका आज हम मॉस्फेट चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस भी चेंज करते हैं, चेंज करके दिखाते हैं आप लोगों को ड्राइव का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ये देखिए, वन साइड जाने से प्रॉब्लम थोड़ा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वन साइड का मॉस्फेट बदलने से दूसरा साइड का मॉस्फेट के साथ सेम नहीं होता है ओरिजिनल और मार्केट वाला मॉस्फेट। मेरा पास ओरिजिनल है इसीलिए मैं वन साइड ही चेंज कर दूंगा। ये देखिए, मीटर से हम कंटिन्यूटी देख लेते हैं। ये साइड सही दिखा रहा है, 450 के आसपास ये साइड अच्छा है बिल्कुल। और ये साइड देखिए, ये साइड में शॉर्टेज है, तो वो तो हमें ऐसे भी दिख रहा है शॉर्टेज है, पूरा जला हुआ है। तो इसका स्क्रू को निकालते हैं, निकाल के मॉस्फेट को बाहर निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस को भी निकालेंगे। निकाल के वहाँ पे जीना टाइट जो है उसे भी देखेंगे, वो शॉर्ट रहने से भी हम लगाने का बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। 547 जो ट्रांजिस्टर है वो भी देखेंगे। तो स्क्रू तो हमने खुल लिया हो, अभी मॉस्फेट को निकाल लेता हूँ। मॉस्फेट निकालता हूँ, तब तक आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मैं बना के देता रहूँगा, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए। ये देखिए, मॉस्फेट निकाल लेता हूँ, तब तक मैं कैमरा को थोड़ा पुश करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा वीडियो दिखाने जाऊँगा तो आधा घंटा जैसा लग जाएगा ये बनाने के लिए, उतना भी लंबा वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं। इसीलिए मॉस्फेट निकाल लिया हो। ये देखिए, मॉस्फेट रेजिस्टेंस वगैरह सब निकाल दिया हूँ मैं। एक जीनर भी शॉर्ट था, वो भी मैं निकाल दिया हूँ, जो 15 वोल्ट का जीनर रहता है गेट में, वो तो आपको पता ही है 15 वोल्ट का रहता है वो जीनर, वो खराब है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ एक एक करके आप लोगों को क्या क्या निकाला हो। ये देखिए, पांच रेजिस्टेंस 100 ohms का, P55 मॉस्फेट 5 और 15 वोल्ट का एक जीनर डायट। ये देखिए, ये जीनर डायट, ये भी शॉर्ट है। तो ये 11 आइटम हम नया लगाते हैं। ये देखिए, नया निकला हूँ मैं, 555 मॉस्फेट, 5 रेजिस्टेंस 100 ohms का और एक 15 वोल्ट का जीनर डायट, ये लगाते हैं। लगा के सोल्डरिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। इसमें 1 watt का था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, अभी मेरे पास 1 watt का रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हाफ वाट का लगा रहा हूँ। हाफ वाट का लगाने से भी काम चल जाता है। ओम्स लेकिन 100 ohms का ही है। ये देखिए, हमने रेजिस्टेंस और डायोड को चिपका दिया हो, और ये मॉस्फेट लगाने का टाइम हीट सिंक पेस्ट ज़रूर लगाए। हीट सिंक पेस्ट लगाने से मॉस्फेट में अच्छा होता है। ये मॉस्फेट भी हम डाल देते हैं, डाल के स्क्रू लगा के आपको दिखाते हैं। मॉस्फेट डाल दिया हो, स्क्रू भी लगा दिया हो, अभी इसे हम पीसीबी को उल्टा करके सोल्डरिंग कर लेते हैं। सबको सोल्डरिंग करके ये लंबा लंबा जो टैंग है उसे काट लेंगे। सोल्डरिंग करने का टाइम आप लोग देख के सोल्डरिंग कीजिएगा। सोल्डरिंग करने का टाइम भी कभी कभार शॉर्ट हो जाता है। सोल्डरिंग करने का टाइम आप शॉर्ट कर देंगे तो बाद में लगाते ही आपका मॉस्फेट उड़ जाएगा।
और सोल्डरिंग होने का बाद भी पूरा टैंक को कटने का बाद अच्छे से क्लीन करें, क्लीन करके एक बार चेक करें शॉर्ट वगैरह है कि नहीं, और लाइन देने से पहले मीटर लेके गेट वोल्टेज चेक करें। गेट वोल्टेज चेक करने के बाद ही लाइन दें, नहीं तो आप गेट ना लगाने से भी उड़ सकता है मॉस्फेट। हम भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए 457। ये देखिए 450 अप। तो हमारा गेट तो बता रहा है हो गया है, गेट वोल्टेज बता रहा है हमारा काम हो गया है। हम अभी गेट ड्रेन का वायर बिना लगा के सिर्फ इंडिकेटर का लाइन और स्विच का लाइन लगा के एक बार गेट वोल्टेज को चेक कर लेंगे कितना वोल्ट आ रहा है। ये देखिए हमने इंडिकेटर और स्विच का लाइन लगा दिया हो, लगा के बैटरी कनेक्शन देता हो, बैटरी कनेक्शन देके चेक करता हूँ। ये देखिए ये साइड में तो 3 वोल्ट आ रहा है, 3.15। सब मॉस्फेट में चेक करना है 3.15 3.15। जो नया मॉस्फेट लगाया था उसी साइड हमारा 3.15 आ गया है। ऑपोजिट साइड देखता हूँ पुराना मॉस्फेट वाला साइड में, ये देखिए 3.14 15 3.14 15 ये बराबर हो गया है हमारा। अभी हम ड्रेन का वायर को लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, अभी उड़ेगा नहीं क्योंकि हम सर्टिफाइड है हमारा काम हो गया है बोल के। ये देखिए हमने सेट को किसी भी को अंदर डाल दिया हो और कनेक्शन वगैरह लगा दिया हो, अभी एक बार ऑन ऑफ करके देखता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया है हमारा, UPS मोड ऑन हो गया है। अभी AC देता हूँ, ये देखिए AC में मेन ऑन आया है और चार्जिंग ब्लिंक कर रहा है। तो हमारा सेट ऑलरेडी बन गया है, इतना ही था इसका प्रॉब्लम। 5 MOSFET 5 RESISTANCE और 1 ज़ीनर डायोड। वीडियो को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और फेसबुक में देखने से फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। ऐसा ही वीडियो में बना के देता रहूँगा आप लोगों को। तो अभी हम ऊपर के कवर को लगा के सेट को हैंड ओवर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।